दोस्तों नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। आज के प्रश्न करंट अफेयर के, यानी कि आज है 23 अक्टूबर और दोस्तों करंट अफेयर सीरीज का ये 50वां वीडियो है। आज के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में जिस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो दोस्तों सिरुई लिली जो महोत्सव है ये आयोजित किया गया है मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न, वह बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है, तो दोस्तों ये हैं पीवी सिंधु। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो भारत की लक्ष्मी अभियान शुरू किया गया है उसका समर्थन किया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है, तो दोस्तों ये अनुमान व्यक्त किया है 6.1। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जिस राज्य में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत में जिस तारीख को पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस। अगला प्रश्न, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें वर्ष 2021 से राज्य में सरकारी नौकरी से वंचित होना पड़ेगा, तो ये जो है असम राज्य में ये चीज़ें लागू की गई हैं, यानी कि जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं उनको 2021 से राज्य में सरकारी नौकरी से वंचित होना पड़ेगा। जिस स्थान पर इतिहासकारों ने 2000 वर्ष से अधिक पुरानी एक सड़क की खोज की है, तो दोस्तों ये सड़क खोजी गई है इसराइल एरूसलम में। अगला प्रश्न, भारत ने रांची में हुए तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को एक पारी और कितने रनों से हराकर 3-0 से टेस्ट श्रृंखला जीत ली है, दोस्तों एक पारी और 202 रनों से हराया है भारत ने दक्षिण अफ्रीका को। अगला प्रश्न, वह देश जिसने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद कर दी है, तो दोस्तों पाकिस्तान ने भारत के साथ पूरी तरीके से डाक सेवा बंद कर दी है। अगला प्रश्न, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर ने हाल ही में जिस पेमेंट ऐप का नया संस्करण जारी किया है, तो दोस्तों जो भीम ऐप है उसका भीम 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है, नया संस्करण जारी किया गया है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर ने जारी किया है। अगला प्रश्न, किस वर्ष देश में पहला डिजिटल मॉल या डिजिटल मॉल ऑफ एशिया का लॉन्च किया जाएगा, दोस्तों ये 2020 में डिजिटल मॉल ऑफ एशिया लॉन्च किया जाएगा, ये पूरी तरीके से डिजिटल मॉल होगा। अगला प्रश्न, किस देश में पुरातत्वविदों ने 8,000 वर्ष पुराना मोती खोजा है, दोस्तों UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में जो है अमीरात के पुरातत्वविदों ने 8,000 वर्ष पुराना मोती खोजा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने लद्दाख में दुर्बुक और दौलत बेग ओल्डी यानी DBO के बीच रिंचेन ब्रिज का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों ये उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने। अगला प्रश्न, रतन टाटा को पहली प्रति भेंट करते हुए किसने डिजिटल नेशन पुस्तक का विमोचन किया है, तो दोस्तों ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ब्रिस्टल नेशन पुस्तक का विमोचन करते हुए रतन टाटा को पहली प्रति भेंट की है। अगला प्रश्न, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने पिछले वर्ष पेड इंस्टाग्राम पोस्ट से करीब 340 करोड़ रुपए की कमाई की है, तो दोस्तों ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगला प्रश्न, यूरोपीय ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्टेन वावरिंका को हराकर किस खिलाड़ी ने ATP टूर्नामेंट जीत लिया है, तो दोस्तों यूरोपीय ओपन टेनिस यानी कि ATP टूर्नामेंट ये जीता है एंडी मरे ने, इन्होंने हराया है स्टेन वावरिंका को। अब दोस्तों आज का प्रश्न,
तो आज के करंट अफेयर के प्रश्न थे। अब आज का प्रश्न, हाल ही में इनमें से कौन से राज्यों में विधानसभा के लिए वोटिंग हुई है? ए महाराष्ट्र हरियाणा, बी गुजरात राजस्थान, सी कर्नाटक तमिलनाडु, या डी केरल और आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कि हाल ही में अभी 21 अक्टूबर को जो वोटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है। महाराष्ट्र हरियाणा, गुजरात राजस्थान, कर्नाटक तमिलनाडु, केरल आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ मैं पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ। अगला कल का उत्तर, कल मैंने पूछा था कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य को इनोवेटिव राज्य का पहला इनोवेटिव राज्य घोषित किया गया। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य को नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक राज्य को देश का सबसे इनोवेटिव राज्य घोषित किया गया है या सबसे इनोवेटिव राज्य बना है। तो आपको याद रखना है कर्नाटक। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।